नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। बरेली के चैनपुर के भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी ने अनुसूचित जनजाति के युवक से प्रेम विवाह करने के बाद काफी चर्चा में आ गई थी और दिन ब दिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हम आपको बताते हैं इस मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी। वो बेटी कल मिश्रा जी की कतई नहीं लग रही थी। कल वो आज तक वालों की बेटी थी। अंजना उसके बाप को रगड़ रही थी, बोलिए मिश्रा जी, बताइए विधायक जी, ये तो गलत है ना विधायक जी, अरे एक निरीह बाप से क्या क्या और कितने घंटे कहलवाओगी। उसने कह दिया कि बालिग है, जहाँ चाहे शादी करे, जहाँ चाहे रहे, मुझे अब कोई मतलब नहीं। उसको बार बार यही कहते रहकर ये तक कह देना पड़ा, एक ही बात को कितनी बार कहलवाओगी। मैंने बोल दिया और लिखकर भी दे दिया, मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन TRP का पेट इतने से थोड़े ही भरता है, तो लगी रही। लग रहा था कि अंजना की अदालत में मिश्रा जी की जान जब तक नहीं छूटेगी, जब तक वे ये न कह दे कि मेरी संपत्ति भी ले जाओ और बेटी को दे दो, मैं विधानसभा क्षेत्र छोड़कर लंगोट पहनकर हिमालय चला जाता हूँ। भावनात्मक दाव मिश्रा जी पर चला नहीं, वे मंझे हुए नेता की तरह एडमंट थे। भावुक होकर दो आंसू टपका देते तो आज तक निहाल हो जाता। पर इसका अर्थ ये नहीं कि मिश्रा जी अपनी पनीली आंखों के पीछे रो नहीं रहे होंगे। भीड़ का नेता एकांत में पिता के मौलिक स्वभाव में ही आया होगा। कहावत है कि जुआरी और किसान की छाती सबसे पक्की होती है, लेकिन कल आज तक पर दिन भर चली मीडिया ट्रायल फेस कर रहे विधायक राजेश मिश्रा की हालत देखकर लगा कि जुआरी और किसान के साथ में बेटी के बाप को भी जोड़ देना चाहिए। मैंने गौर किया कि अंजना और भागकर शादी करने वाले दंपति का चेहरा तब यकायक बुझ गया जब बेटी के बाप ने कहा कि जहां रहे खुश रहे, मुझे अब कोई मतलब नहीं। पूरा विवाद जिस एक बुनियाद पर खड़ा था, उस पर साफ जवाब देकर भी मिश्रा जी को रगड़ा जाने लगा। सारे सवाल बाप से, भावनाओं से नहीं। इतनी साफगोई कब आएगी कि लड़के लड़की से भी कुछ सवाल हो। मसलन लड़के से पूछा जाए कि क्या करते हो, यकीनन जवाब मिलेगा कि प्यार, यही सबसे बड़ी पूंजी है। प्यार हो ही गया है तो सिर पर छत और पेट में रोटी का इंतजाम हो ही जाएगा। प्रेमियों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अकल ठिकाने तो तब आती है जब खुद की संतान उत्पत्ति होती है और पैदा हुए खुद के बच्चों को पालने, बढ़ाने और पढ़ाने की जिम्मेदारी सर पर आती है। जब खुद इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे तब समझ में आएगा कि मिश्रा जी भी अपनी जगह सही थे, उनका भी एक पक्ष था, धैर्य से सुन लेने में कोई बुराई नहीं थी। संविधान ने बालिगों को शादी का अधिकार दिया है, तो किसी बाप को भी इतना अधिकार तो दिया ही है कि वो सक्षम होकर अपना विवाह खुद कर लेने वाले संतान से नाता तोड़ सके। विधिक रूप से बाप को अधिकार है कि वो स्वार्जित संपत्ति से संतान को वंचित कर सके। सिर्फ पुश्तैनी जायदाद पर हक रह जाता है जिसके लिए संतान दावा कर सकती है। लेकिन यहाँ तो लग रहा था कि अंजना इस दंपत्ति को बेटी के बाप के गले लटकाकर घर भेजना चाहती थी। मनोवैज्ञानिक दबाव मिश्रा जी पर ये रिश्ता स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। करने से पहले पूछा नहीं और अब कहा जा रहा है, बताइए मिश्रा जी, सारा देश आपको सुनना चाह रहा है। मिश्रा जी को राजनीति में रहते सामाजिक ताने बाने से परतना और झटकर सहन करने का मादा आ गया है। उनकी जगह कोई साधारण पिता होता तो इतनी मीडिया ट्रायल के बाद उसे दिल का दौरा पड़ सकता था, वो आत्महत्या को मजबूर हो सकता था। बालिग होने का अर्थ सिर्फ मनचाही शादी करने का अधिकार मिल जाना भर नहीं है। बालिग हो जाने का तात्पर्य ये भी है कि आप अपने बाकी सभी निर्णय लेने के लिए परिपक्व हो चुके हैं। सीधे शब्दों में शादी करने के बाद अपनी गृहस्थी के खर्चे और संचालन भी आपको ही देखना है। बालिग होने के बाद इस सब के लिए आप अपने बाप पर निर्भर नहीं रह सकते। ये कहानी बाप की सार्वजनिक घोषणा के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी। पुलिस अधीक्षक ने भी पूरी सुरक्षा देने की गारंटी दे दी, लेकिन बाप ने बेटी पैदा करने के साथ राजनीति में आने की भी जरूरत की थी, इसलिए वो मीडिया की अदालत में खड़ा होकर अपने खानदानी इतिहास का चीरहरण करवा रहा था। एक बाप के कपड़े उतार कर चैनल वाले अपनी रोटी की जुगाड़ करने में जुटे थे। उनके सामने यही विश्व की सबसे बड़ी समस्या थी, बारिश हो रही। कर्नाटक मंगलवार तक के लिए टल गया है, कोई खबर नहीं थी। कांग्रेस और पाकिस्तान को कितना गरियाएं, मौलानाओं कश्मीरियों को बुलाकर कितना खदेड़ें, क्रिकेट भी खामोश हो गया। ऐसे में एक भागी हुई बेटी का बाप मिल गया, दिन भर की TRP का खवैया बनकर। गांव, गरीबी, खेती, किसान, मजदूर की दिहाड़ी, भटकते युवा तुम्हारे विषय नहीं है। इसके लिए तुम्हें स्टूडियो से बाहर जाने की जहमत करनी पड़ सकती है, तुम्हें तो ऑन द टेबल सब चाहिए। तो तुम चैनल वालों के भाग से एक विधायक की लड़की भाग गई,
वो भी दलित के साथ। बहुत बड़ी क्रांति हुई है। अब वो दलित नहीं है, संविधान का मानस पुत्र है। और लड़की अब विधायक जी की पुत्री नहीं, आज तक NDTV वायर और क्विंट की बेटी है। जाति मसाला बन गई, जीवन के बुनियादी सवाल पीछे छूट गए। जो परिवर्तन संविधान के सहयोग से अपनी शांत प्रकृति से समाज में प्रभावित हो रहा है, उसे पराजित और विजेता की तरह प्रस्तुत कर देने के अपने खतरे हैं। इससे परिवर्तन के प्रवाह की गति तेज न होकर प्रतिक्रियात्मकता से बाधित ही होगी। फिर जरूरी है कि कोई शर्मा दुबे तिवारी का लड़का होता तो मिश्रा जी सिर्फ जाति देखते और कुछ न देखते। भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन यदि हो तो उस 23 साल भगिनी को यदि 38 साल पतिदेव भविष्य में परेशानी पैदा करें तो उसे वापस इन चैनलों के दफ्तरों में जाना चाहिए। अब वे ही श्रेष्ठ अभिभावक हैं। मिश्रा जी बाप थे, अब तो सिर्फ विधायक हैं। नेताओं का क्या भरोसा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।